अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रोडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। सो गाइस, टुडे का टॉपिक जो है वो ये, टुडे आई एम गोइंग टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द बाइक्स, अबाउट इंजन्स, बिकॉज यू नो कि कराची में हैवी रेंज का सिलसिला चल रहा है। तो सिनेरियो क्या है कि हम नहीं जानते कि अपनी बाइक्स के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, उनके इंजन के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। हम बस बाइक्स को लेते हैं, बाइक बंद हो गई पानी में, उसको उल्टा किया, प्लग साफ किया और बस उसको चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने इस सिलसिले में जो है वो एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ। चलते हैं पहले वीडियो की जाने पर, फिर देखते हैं कि वो जो हम हरकतें करते हैं अपनी बाइक्स के साथ वो कितना हार्मफुल है हमारे इंजन के लिए, हमारी क्लच प्लेट्स के लिए, हमारे प्रेशर प्लेट्स के लिए, क्यों हमारे इंजन जल्दी बोल जाते हैं हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। और फिर हम मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं कि भाई फ़लाँ थर्ड क्लास चीज़ बना रही है, फ़लाँ थर्ड क्लास चीज़ बना रही है, हम खुद सेफ्टी नहीं करते। तो चलते हैं बिना किसी देर किए पहले अपनी वीडियो के जाने, वीडियो देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है और क्या प्रिकॉशंस नहीं करने। तो सो गाइस, लुक एट दिस सिचुएशन। सो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये बाइक जो है वो 2018 मॉडल है, सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन। ये बाइक वॉश करवा ली गई है, बारिश में चलने के बाद वॉश करवा के इसको जो है वो ऑयल निकाल रहे हैं। इस ऑयल की कंडीशन देखें, एक तो हम दो नंबर ऑयल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ एक नंबर ऑयल मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम। तो ये इस ऑयल की कंडीशन देखें और ये देखें कि ये कितना हार्मफुल है हमारे इंजन के लिए, हमारे इंजन के पार्ट्स के लिए, हमारी क्लच प्लेट्स के लिए और हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट अदर पार्ट्स होते हैं जो गाड़ी को प्रेशर देने में मदद करते हैं, पिकअप के अंदर मदद करते हैं। हमारा पिस्टन हो गया, हमारे वॉल्स हो गए, हमारे रॉकर्स हो गए जो हेड के अंदर होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें किस तरह डैमेज होती हैं इस दो नंबर ऑयल और पानी में चलने के बाद। और चलें और चलते हैं इसके ऑयल फिल्टर की जाने। अब इसके ऑयल फिल्टर की कंडीशन आप देखें कि किस तरह इसका ऑयल फिल्टर निकल रहा है। अब इस तरह का ऑयल फिल्टर निकलेगा तो ऑयल फिल्टर कहाँ होगा, पानी पानी होगा सारा। तो ये तो हो गई एक नई बाइक की कंडीशन, तो ये हो गई नई बाइक की कंडीशन और हालात देखें उसकी क्या हो रही है, तो आप बताएं ये किसकी गलती है। गाइस, अब एक वीडियो तो आपकी हो गई कंप्लीट, दूसरी वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको एक वो पुरानी गाड़ी। मेरा एक दोस्त है कलीम मशवानी, जिससे मैं अक्सर अपनी बाइक से काम करवाता हूँ, बहुत अच्छा मैकेनिक है हमारे शफिसल में। तो मैं उसके पास गया था तो एक और बाइक आई हुई थी, तो उसकी वीडियो भी मैंने उससे कहा कि हम इसको क्रिएट करके और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आपको मैं एक दूसरी बाइक जो पुरानी बाइक थी, ओल्ड थी, जो बाइक जो है वो बारिश में गंदी होकर ऐसे ही हमारे पास आ गई थी, तो वो अब देखते हैं उसका ऑयल किस कंडीशन में निकलता है। चलें एक और वीडियो की जाने, देखते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। तो भैया आपने देख लिया
कि दोनों बाइक्स का क्या हाल है। ये तो दो बाइक्स हैं जो मैंने दिखाई और कितनी बाइक्स वहाँ आ रही थी तो मैंने सबकी वीडियोस क्रिएट नहीं की, लेकिन बस मेरा इतना सा मैसेज है तमाम बाइकर्स कम्युनिटी के लिए, तमाम ग्रुप्स के लोगों के लिए, तमाम कैप्टन, तमाम एडमिन्स के लिए कि जो जो अपने साथ जो जो लड़कों को लेकर जाते हैं या जो भी उनके पास ऐसे लड़के हैं जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको आप ये नॉलेज प्रोवाइड करें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनके इंजन जल्दी जल्दी ख़राब ना हो। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो गाइस एज ऑलरेडी यू नोस कि भाई सब्सक्राइब करना होता है। तो एक हम एज अ यूट्यूबर, मैं एक रट्टा हम लोग बड़ी मुश्किलों से याद करते हैं उसको, तो वो एक है गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो भाइयों दबा दो अगर पसंद आई हो, और तो शेयर ज़रूर करना तमाम लोगों के साथ एज अ सदका जारिया समझ के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता और वो बाइक ऐसे ही चलाते रहते हैं बारिश के बाद भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।